कांग्रेस सरकारों ने हमेशा ही विकास की अनदेखी की है, जिसका उदाहरण अमेठी और रायबरेली संसदीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में झूठ बोलने की राजनीति शुरू हुई है जो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीर भवन में जिला विकास समन्वयक एवं सतर्कता कमेटी की त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं आरम्भ की है तथा इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अत्यंत जरूरी है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता अमेठी और रायबरेली का दौरा करके देखना चाहते हैं कि किस तरह क्षेत्र की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल दिखावा करती है और जहां विकास होता है वहां पर छींटाकशी करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में झूठ बोलने की राजनीति शुरू हो गई है जो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। 5 करोड़ गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर मात्र 4 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई। कांग्रेस ने केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया था, बल्कि देश को गरीब बनाने का नारा किया। ये काम उन्होंने किया गरीब करने का। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज भी अमेठी रायबरेली का दौरा कांग्रेस के नेता जाके करें तो पता चले कितने वर्षों पहले घोषणाएं कांग्रेस के नेताओं ने की। 10-10 साल उनकी केंद्र में सरकार रही, कुछ नहीं कर पाए। आज भी हजारों लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाए। ये केवल दिखावा है और ये झूठ बोलने की जो राजनीति चली है कांग्रेस में, ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं, इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है और एक कांग्रेस की असली चेहरा सामने आ रहा है कि झूठ बोलो और आगे निकलो, अब ज्यादा चलने वाला नहीं है। सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर जिला प्रशासन को राष्ट्रीय स्तर पर 2 अवार्ड मिलने के लिए बधाई दी और कहा कि पूर्व की बैठकों में उठाए गए मुद्दों पर प्रशासन ने काम किया है। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य एजेंडा ही विकास कार्यों की समीक्षा पर उन कामों में गति लाना है। ठाकुर ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं ताकि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, जिला परिषद अध्यक्ष राकेश ठाकुर, परियोजना अधिकारी डॉक्टर सुनील चंदेल, गैर सरकारी सदस्य संजीव एडवोकेट, नगर परिषद अध्यक्षा सुलोचना देवी, बलदेव धीमान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। दिशा की मीटिंग में आज केंद्र की स्पॉन्सर्ड स्कीम जितनी भी है उन पर चर्चा हुई और जिला हमीरपुर में उस पर अच्छी तरक्की हुई है, अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। जहां पर कुछ कमियां हैं वहां पर सुधार करने के कहा गया है ताकि सभी टारगेट्स को पूरा किया जाए। देखिए, हर मीटिंग में अलग अलग विषय आते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छी तरक्की भी करते हैं और मैं हमीरपुर के प्रशासन को बधाई भी देता हूँ कि 2-2 अवार्ड उनको राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे हैं, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जहाँ कमियाँ रहती, मीटिंग इसीलिए की जाती है कि 3 महीने बाद पता चल जाए कहीं पे कमी है तो उसमें सुधार हो जाए। और बहुत सारे विषयों पर जो पहले कमियां रहती थी उनमें सुधार भी हुआ है और अधिकारी पूरा मन लगाकर उस पर काम भी कर रहे हैं।